यस, अब एक और नए स्टूडेंट से मिलवाता हूँ, देखिए इसकी क्या स्टोरी है। सनावज अली नाम है, झांसी से बिलोंग करते हैं, ऑल इंडिया 243 रैंक है और इनको एनआईटी इलाहाबाद अलॉट हुआ है। तो सबसे पहले तो बेटा आपको इस रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू थैंक यू एंड प्रतीक सर फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस वैल्यूएबल नॉलेज एंड साथ ही साथ सर फॉर द ग्रेट मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम योर साइड ऑल थ्रू आउट दी स्टडीज गोज। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सनावज। सनावज आपने फाइनल ईयर के साथ निमसेट में इतनी अच्छी रैंक लाई और खास बात यह कि आपके सेप्टेम्बर में एग्जाम भी थे, तो मैं चाहूंगा क्योंकि आपकी जर्नी आपने काफी लेट स्टार्ट किया था और पहले तो मन में यह था कि 21 में देना है, पर जब आपकी मुझसे बात हुई फिर आपने सोचा नहीं नहीं इस साल ही मेहनत करते हैं। तो कई लोग जैसे अब जो 21 में एग्जाम देने वाले उनके पास कम टाइम है और वो अपने मन में अभी से सोचते हैं कि हम 22 के लिए टारगेट करें या आगे के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आपकी लाइफ की इंटायर लाइफ की जो सक्सेस जर्नी है, जो निमसेट को लेके आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की, कब एकदम सीरियस हुए और अपने कॉलेज को कैसे मैनेज किया, मैं चाहूंगा ये आप बहुत डिटेल में बताएं। यस सर। सर मैं अपने जूनियर से यही कहना चाहूंगा, जो भी यार कोई भी अगर डर रहा हो कि अभी भी, क्योंकि सर जो टाइम बचा है 2021 के लिए अगर देखा जाए तो 5 to 6 मंथ्स ही बचे हुए हैं, तो ऐसे में कई लोगों को लग सकता है कि आई कांट डू दिस ईयर, मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैं उन सभी को कहना चाहूंगा यार मैंने किया है तो आप सभी कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूंगा थोड़ा कि मेरा ये था सर कि मैंने बीएससी सिंपल मैथमेटिक्स से किया है, सो एज सच कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है इस फील्ड में, बट सर हमेशा से ही एक इंटरेस्ट रहा है कंप्यूटर साइंस के साथ। ड्यूरिंग स्कूल टाइम ओनली मुझे, मतलब मैथ्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है हमेशा से, बट साथ ही साथ मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री के ज्यादा अच्छे कॉम्बिनेशन से ज्यादा अच्छा मैथ और कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन लगता था, बिकॉज मुझे वो सब्जेक्ट्स उतने पसंद नहीं थे फिजिक्स केमिस्ट्री, इतना मुझे मैथ्स के साथ कंप्यूटर अच्छा लगता था। तो जब मैं बीएससी मैथमेटिक्स से करना शुरू हुआ और फाइनल ईयर तक आते आते वो चीज होती है ना बीएससी में सर, कंफ्यूजन रहता है दैट क्या चीज फॉलो की जाए। बहुत सारे करियर ऑप्शंस दिखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स लेनी चाहिए या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए, क्या मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, तो ये सब चीजें दिमाग में मेरे भी चल रही थी। तो फाइनल ईयर के आते आते निमसेट के एग्जाम के बारे में मुझे पहले कुछ भी पता इतना नहीं था, बट जैसे आईआईटी जेएम के बारे में पता था क्योंकि मैं बीएससी कर रहा था, तो एमएससी पीएचडी आईआईटी से होता है, लेकिन जो निमसेट का एग्जाम है वो मुझे थर्ड ईयर के आते आते बस इतना सुनने में आया कि निमसेट का कोई एग्जाम होता है जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीए कोर्स होता है, बट मैंने एलिजिबिलिटी तब भी देखी नहीं थी ढंग से, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि बीसीए के बाद होता होगा एमसीए, मैं तो बीएससी मैथ्स से कर रहा हूँ तो दैट इज नॉट फॉर मी। तो दिसंबर आ गया और जनवरी 2020 शुरू हो गया, मार्च में हम लोगों के बीएससी फाइनल ईयर के एग्जाम्स थे तो उस पे फोकस किया कि मार्च में मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम है, लेकिन तभी सर जनवरी फरवरी का जब टाइम था तो आपकी जो यूट्यूब पर सेशंस और वीडियोस पड़े रहते हैं तो वो एकदम से मुझे देखे, मैंने जानने की कोशिश करी कि निमसेट क्या है, तो आपके सेशंस और वीडियोस कुछ देखे तो मुझे लगा कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो मैं एक बार जरूर इस फील्ड में जा सकता हूँ, इट्स अ गेटवे। तो सर यही थोड़ा सा रहा जनवरी फरवरी में, तो सोचा मार्च में तो फाइनल ईयर के एग्जाम है उससे तो फोकस नहीं हटा सकते क्योंकि ग्रेजुएशन भी इम्पोर्टेंट है। तो सर मार्च में एग्जाम्स थे और तभी फॉर्म आए थे निमसेट के, तो ये सोच के भर दिया फॉर्म की निमसेट 2020 का देते हैं एग्जाम और सक्सेस नहीं मिलेगी तो एक्सपीरियंस मिलेगा, ये सोच के 2020 का निमसेट का फॉर्म भरा मैंने। बट फिर कोरोना और फिर लॉकडाउन ये सब जो कंडीशंस हुई तो एक आध महीने तो इसी चीज में लग गया कि फाइनल ईयर के एग्जाम्स कंडक्ट होंगे भी अप्रैल में या नहीं होंगे, एंड अप्रैल मंथ तो जो है वो ऐसे ही चला गया। बट फिर मई में जैसे हुआ कि थोड़ा सा अब लेट होगा, जो एग्जाम्स का जो लग रहा था वो अब लगने लगा थोड़ा सा टाइम लेगा ये चीज कि कोरोना पेंडेमिक इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है, तो वो चीजें लगने लगी।
और कंटिन्यूअसली आपके सेशंस तो फॉलो कर ही रहा था यूट्यूब पर, और एक मन बना लिया था सर सुनते सुनते, और मई तक जब आया कि 2021 में तो पक्का मैं पीटर्स गुरुकुल ज्वाइन करने वाला हूँ इस एग्जाम के बाद 2020 के, और दूंगा मैं एक बार जरूर पूरी मेहनत के साथ, वन टाइम जरूर मैं स्ट्राइक करूंगा इस एग्जाम को, क्योंकि NIMCET मुझे एक अपना इंटरेस्ट लगा, बिकॉज आई हैव दैट इंटरेस्ट इन कंप्यूटर साइंस एंड ऑल। तो वैसे ही फिर मई में एग्जाम नहीं हुआ NIMCET का, तो जैसे ही नहीं हुआ तो मुझे एक माइंड में आया कि अगर 2 महीने भी हैं तो मैं पढ़ के दूं एग्जाम। तो फिर मैंने 1 जून को ही MPTS गुरुकुल ज्वाइन किया, और मैंने मई वगैरह में, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल खाली बैठा था, थोड़ा बहुत तो मैं सोच रहा था ही पढ़ के जाऊं, एक्सपीरियंस के लिए क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो वही रहा सर कि थोड़ा शुरुआत तो कर दी थी, थोड़ा एलजेब्रा वाला पार्ट किया और थोड़ा बहुत कर लिया था, बट 1 महीने में कितना हो जाएगा। तो जून में स्टार्ट ढंग से किया, ये कह सकते हैं 1 जून से जब मैंने MPTS गुरुकुल को ज्वाइन किया, दैट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। और मैंने ये सोच के शुरू किया था कि अभी ऑनलाइन कोर्स से जुड़ जाता हूँ और 2020 के लिए करता हूँ, और फिर शिफ्ट हो गए 2021 के लिए करने लगूंगा इफ आई डोंट गेट सक्सेस। लेकिन जैसे ही जून जुलाई में मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया, और सर ये बात रही है कि आपकी जो भी बात थी, एडवाइसेस जो आपने दी थी, वो मैंने एक एक फॉलो की है। जो आपने ये बताया कि कम टाइम में, मैंने इस पे बहुत मतलब ध्यान दिया था कि हार्ड वर्क से ज्यादा थोड़ा स्मार्ट वर्क अब जरूरी है, बिकॉज जब 3 to 4 months आपके सामने हो तो अब आप वैसे सिंपली प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं जैसे सभी बच्चे करते आ रहे हैं कि एक बुक उठाकर या एक गाइड उठाकर सॉल्व करना शुरू कर दी। तो मैंने एक स्मार्ट थिंकिंग लेके, और सर आपसे ये जाना था कि कम टाइम हो तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने बताए थे, जो 50-70% कवर कर देते हैं मैथ्स के सिलेबस को NIMCET के, तो उस पे पहले ध्यान दिया जाए, लाइक ट्रिग्नोमेट्री, PNC प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस। तो ये वाले टॉपिक्स मैंने कहा कि 1-2 months में मैं इस पे पूरा ध्यान लगाकर ये खत्म करता हूँ। तो वो चीज मतलब कंप्लीट की। फिर धीरे धीरे 2 महीने बाद जब इतना सिलेबस कंप्लीट किया 50-70%, तो सर थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा कि हो सकता है अगर थोड़ा टाइम और मिल जाए कि बाकी का सिलेबस थोड़ा सा मुझे 1-2 महीना और चाहिए कंप्लीट करके। मैंने मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं दिए थे, और बिना मॉक टेस्ट के मैं जानता हूँ उसकी इम्पोर्टेंस अलग होती है। तो वो थोड़ा सा एक डर था कि ऐसा ना हो कि डेट अभी आ जाए अगस्त सितंबर में, बट फिर अगस्त तक मैंने कंप्लीट की और चीजें। फिर स्टार्ट हुआ सितंबर में, मुझे पता चला कि मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम्स होने वाले हैं। वो अचानक से सर एक मतलब सरप्राइज था मेरे लिए, मैंने कहा अब तो गया एग्जाम, झटका था एक अच्छा वाला। हाँ सर, मतलब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम देने नहीं जा पाया था, इट्स ऑन 11 सितंबर, तो मैं वो भी नहीं देने जाने जा पाया था क्योंकि मुझे अपने ग्रेजुएशन के एग्जाम्स देना थे सितंबर में, और 6 months से ग्रेजुएशन की भी कोई ऐसी पढ़ाई कर नहीं रहा था मार्च के बाद से। तो वो चीज थी अंदर से कि I lost it at this moment. I think. तो वो वाली फीलिंग आने लगी कि अगर, क्योंकि सर वहां पर लग रहा था उस मोमेंट पे कि सितंबर एंड में भी NIMCET 2020 की डेट आ सकती है। तो जब मैंने एग्जाम देना शुरू किए ग्रेजुएशन के, तो मैंने तब भी सर मैंने काम होकर ये सोचा कि एग्जाम डेट आ चुकी है, इट्स अराउंड 15-20 अगस्त था जब मुझे पता चल गया 4 सितंबर से मेरे एग्जाम है। तो मैंने कहा चलो मैं और कोशिश करता हूँ मैथ्स का, मैं ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ 30 अगस्त तक कोशिश करता हूँ। कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक रह जाएंगे वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। मैंने ये देखा है NIMCET में कुछ छोड़ना नहीं चाहिए, छोटे छोटे टॉपिक्स भी, वो सेट्स वेक्टर और ये वाले टॉपिक्स भी सर बहुत काम आ जाते हैं, एक एक मार्क्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने बट अगस्त लास्ट तक मैंने एक जो ओवरऑल सिलेबस था वो कर लिया था, बट छोटे छोटे टॉपिक्स में इसमें कहीं ना कहीं रह गए थे और कुछ प्रैक्टिस करना थी। तो सितंबर में मैंने फिर अपने ग्रेजुएशन के अच्छे से एग्जाम दिए, और 21 सितंबर को मेरा एग्जाम खत्म हुए ग्रेजुएशन के,
और सर मैं वन ऑफ दी टॉपर ही हूँ अपने कॉलेज का। तो अरे वाह, वेरी ऐसे गुड। एस सच कुछ, कॉलेज का नाम ऐसा क्या आपके? कुछ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मैं झांसी से हूँ, ओके तो वहां पर मैंने पढ़ाई की है। तो मेरे मेरे वैसे परसेंट पहले से ही 75 अराउंड थे, तो मुझे इतना तो डर नहीं था ग्रेजुएशन के, बट हाँ, सर एग्जाम होते हैं तो देना सही तो बात पड़ते है, हैं। सही बात है। तो सर बट 21 को जब मुझे पता चला कि 22 अक्टूबर को है एग्जाम, तो फिर से एक चेहरे एक पे स्माइल स्टार्ट। आई। हाँ। ये लगा कि मैंने जो मेहनत से सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश की थी, अब टाइम आया है 30 to 40 days में, अब मुझे उसकी प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट करना है। और मैंने सिलेबस सर स्मार्टली इस तरीके से कवर किया था कि कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे मैं मुझे आते हैं, जैसे ड्यूरिंग बीएससी हम लोग कैलकुलस बहुत डीप लेवल से पढ़ लेते हैं, तो कैलकुलस में अब मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो एक स्मार्टली थिंक करके मैंने कैलकुलस को 1 week में ही खत्म कर दिया। और जैसे सर पीएनसी प्रोबेबिलिटी पढ़ा नहीं है पिछले 3 सालों से, 12th के बाद तो सब कुछ भूल चुके हैं, तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी में अगर मुझे 1 month भी लगा तो मैंने वो दिया और वो अच्छे से किया। और प्रोबेबिलिटी के तो साथ ये सिनेरियो था कि मैंने ये सोचा था जो डीपीटीज हैं और ऑनलाइन ये डली हुई हैं तो उन्हीं से काम बन जाएगा, बट जब मैंने प्रोबेबिलिटी के साथ केवल ये हुआ कि मुझे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगना है, कहाँ पर बायस थ्योरम लगना है, तो मैंने वो सब चीजें कंप्लीट करने के लिए फिर मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपनी आरडी शर्मा 12th की वो डाली और 2 दिन के अंदर प्रोबेबिलिटी फिर से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करी, अलग अलग क्वेश्चंस को ध्यान से देखा कि वो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें किस तरीके की लैंग्वेज है, क्या है, समझने के लिए, और फिर प्रोबेबिलिटी भी अपने स्ट्रॉन्ग किया। तो इसी तरीके से जो टॉपिक्स आते थे उनको कम टाइम दिया, जो नहीं आते थे उनको ज्यादा टाइम देकर तरीके से प्रिपरेशन हुई। और फिर मॉक टेस्ट मैंने एज सच रीजनिंग के लिए कोई भी ना बुक ना गाइड ना ही किसी स्पेशल तरीके की प्रिपरेशन कुछ भी नहीं किया था मैंने, केवल जो 30 to 40 days मॉक टेस्ट दिए थे रीजनिंग मैंने वही कवर की थी, वही 30 to 40 जो मॉक्स मैंने दिए हैं 21 से लेकर 22 तक मैं, तो वो जो मैं मुझे हेल्प किया है रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग थोड़ी लॉजिकल रीजनिंग तो मुझसे बन जाती थी। और सर जो आपने कहा था बस मैं ये रहा है कि सर आपने कहा और मैंने मान लिया कि क्वांट लास्ट टाइम चल रहा है, क्वांट को छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। तो वो वाली चीज रही है, 4 to 5 questions आते हैं 40 में से हम लोगों को, सर वैसे भी आप कह रहे थे 20 to 25 questions तो पहले अटेंड करना सीखो, फिर जो 10-15 बच रहे हैं रीजनिंग के फिर उस पे जाना। तो वही मैंने भी सोचा कि मैं लॉजिकल रीजनिंग में ठीक ठाक में मेरे हो जाते हैं क्वेश्चन, तो मैं इसी में और ज्यादा प्रैक्टिस करके उसको बनाऊं कि मैं 20 to 25 questions रीच कर सकूं। और मैंने क्वांट सेक्शन टोटली छोड़ दिया था और मैं पेपर में भी करके नहीं आया, मेरे 24-25 questions अराउंड अटेम्प्ट किए थे मैंने एग्जाम में भी, तो जो सोच के गया बड़ा कैलकुलेटिव वे से थोड़ी सी हो गई थी प्रिपरेशन। और ये एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये केवल और केवल इम्पीटस गुरुकुल की वजह से हो पाया, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये चीज मुझे बेनिफिट करी सर, जो 6 दिन की चीज थी वो 6 घंटे में मैं सीखा हूँ। जो आप कहते हैं कि कोचिंग से यही फायदा हो जाता है सर कि 6 days की चीज हम 6 hours में सीख बिल्कुल सही लेते हैं। बात। और प्रतीक सर का भी बहुत थैंक यू सर, बिकॉज कंप्यूटर सेक्शन भी कुछ भी ऐसा नहीं आता था, लेकिन प्रतीक सर इस तरीके से पढ़ाते हैं कि जो 10 questions आना है वो अगर उनकी 10 to 15 classes वो लेते हैं, मतलब 10 to 15 days में हम कंप्यूटर सेक्शन को तैयार कर सकते हैं, इतना तो सर हो ही जाता है। 10 में से मैं अराउंड 7 question अटेम्प्ट करके आया था, बिल्कुल सही। तो मुझसे एक भी नहीं बन रहा था और 7-8 बन रहे हैं, तो इट्स मोर देन इनफ। तो काफी और अच्छी सर स्टोरी लगी मुझे, और मैं सभी बच्चों को बोलूंगा, देखिए हर हर सेशन मेरे बहुत अलग है, जैसे आपके चेहरे की स्माइल वो अलग से बता रही है। और क्या होता है कि एक स्मार्ट स्टडी, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, कम समय को कैसे यूटिलाइज किया जाए, ये कितना अच्छा सेशन और कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि बहुत प्रॉपर कैलकुलेट स्टडी करना। जैसे मैं बोलता हूँ कि हमें पता है मैथ 600 नंबर की, पहले हम स्कोर कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कम कर सकते हैं, वो सारी चीजें। देखिए पेपर भी आया बीच में सितंबर में, मन में यही था कि 21 देंगे, पर कोशिश की बीच में, देखिए आपके सामने रिजल्ट है।
तो मैं हमेशा बोलूंगा कि जीवन में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि ये सोचना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। दूसरा, जनवरी तक तो ये भी डिसाइड नहीं था कि एमसीए करना है, प्योर जेम के लिए प्रिपरेशन दिमाग में थी, और सोचिए जनवरी के बाद टर्न आया, मार्च में फॉर्म भरे और इतने कम समय में रिजल्ट दिया। तो रिजल्ट इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कितने साल से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने जितना समय हमने दिया है उसको यूटिलाइज कैसे किया। इसने पूरे समय को यूटिलाइज किया। पेपर देने के बाद जब मैं पेपर का कट ऑफ बता रहा था, तो आप देखना वो मेरा सेशन, उसमें मैंने इस बच्चे का भी एक बीच में पूछा था कि क्वेश्चन पेपर कैसे है, और शहनवाज को बुला के मैंने बोला कि चलो बच्चों के सामने बोलो, एकदम से कैमरे के सामने आया। तो मैंने और जब इसने हाँ जो पेपर का फीडबैक दिया था, मैंने कहा था आ जाएगी, रैंक अच्छी आएगी, बिल्कुल चिंता मत करो। और देखो आपका आज वो रिजल्ट भी, और उस दिन का सेशन भी आपको याद होगा, वो एट रैंडम एकदम आना और बोलना सर। और एक और चीज थी कि जब सर आपसे बात की थी कि MNNIT इलाहाबाद मिल जाएगा ना सर, दैट डे आई आस्क्ड फॉर। हाँ तो मैंने बोला था मिल जाएगा। आज, देखो और आज सर MNNIT इलाहाबाद ही अलॉट हुआ, मैंने फर्स्ट राउंड में ही लॉक करा उसको। वही मैं कह रहा हूँ कि वो चीज हो गई जो हम सोचते हैं। अब सोचिए आपने अगर ये सोच ही लिया होता, नहीं नहीं मैं 21 में ही करूंगा, तो आप एक साल देते। समय की कीमत बहुत है, मैं कहता हूँ समय से बढ़ के कुछ नहीं है। एक सही डिसीजन और सही मेहनत से बाई चांस नहीं भी होता, तो जो आपने एक और वर्ड बोला कि चलो नहीं होगा पर एक्सपीरियंस तो होगा, मैं भी यही बोलता हूँ। आप ये मत सोचो होगा कि नहीं, आप अपना एफर्ट तो दो 100%, नहीं होगा तो कुछ गेन करोगे, अगले साल वो चीज कहीं ना कहीं काम आएगी, और अगर हो गया तो पूरा पूरा एक साल आपका वो सेव होता। और देखो आप इतने अच्छे इसके लिए एग्जाम्पल हो। तो बहुत अच्छा लगा शहनवाज आपसे बात करके, आपने पूरी स्टोरी अपनी बता दी और अपनी सारी चीजें बता दी। और कोई आप अपनी तरफ से मैसेज देना चाहोगे? सर बस यही मैसेज देना चाहूंगा मैं जूनियर्स को कि कभी भी यार हार खुद से नहीं माननी चाहिए। वेरी गुड। कि अगर आप खुद से हार मान जाएंगे तो दुनिया आपको हरा देगी, और आपको खुद जीतना पड़ेगा। खुद से अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो फिर दुनिया आपसे हार जाएगी। और सर यही है कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। आइदर यू गेट सक्सेस और एक्सपीरियंस, डोंट थिंक अबाउट फेलियर। बिल्कुल। और सही सर है, आप जो कहते हैं कि एक साल का अगर हमें ड्रॉप भी लेना है सर जो कहते हैं, तो उसमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। आई गॉट द सक्सेस, दैट्स व्हाई मैं यहाँ हूँ। अगर मुझे सर मैं बिल्कुल ही श्योर था अगर मुझे टॉप 4 या टॉप 5 NITs में नहीं मिलती जगह, तो मैं 2021 के ही लिए एस करता। बिल्कुल सही, आपने पहले सोच लिया था, यही इम्पोर्टेंट बात है कि मैं इस साल दूंगा, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो मैं अगले साल के लिए मेंटली प्रिपेयर हूँ, यही मैं बोलना चाहता हूँ। और ये बहुत अच्छी बात बोली। चलो आपके साथ सेशन लेके बड़ा मजा आया, बच्चे भी सुनेंगे तो उनको भी काफी खुशी होगी, और आपके चेहरे की ये सफलता अलग दिखती है। वो जो 6 महीने में एक स्मार्ट वर्क किया वो अलग चेहरे पे दिखता है। आपके घर वाले भी बहुत खुश होंगे, उनको भी मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। और आप NIT इलाहाबाद में भी जाके अच्छा परफॉर्म करो और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।